स्वागत बड़ा सारा एक बार फिर तो साढ़े एकेडमिक विजन के यूट्यूब चैनल के उपर। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह गिल, मैं मैंबर हाँ CACC का। मैं लाइसेंस से रेगुलेटेड कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज आप खास गल करनी है कैनेडा की इमीग्रेशन लैके, जिथे आने वाले वक्त के कुछ तब्दीलियाँ आदियां हुई नज़र आ रही ने, जिद सब तो पहला तो गल करा आप एक्सप्रेस एंट्री लैके, जिथे बहुत सारे एप्लीकेंट जे बड़े लंबे समय तो इंतजार कर रहे हैं और एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज नहीं निकले, उन्होंने की सिचुएशन आ। नाल जे स्टूडेंट्स ने वो बड़ी बार पूछते हैं टी आर टू पी आर का पाथवे जोड़ा है वा कि वह दोबारा तो फिर ओपन हो सकता वा, वो बारे भी की नवी अपडेट्स ने या अगे आने वाले टाइम के हो जा रहा वा, वो बारे भी थोड़ी जी गल आप इस वीडियो करा। सब तो पहला गल करिए आप जे लोग डायरैक्ट पी आर से कैनेडा जाना चाहते हैं, जिद सब तो पॉपुलर तौर तरीका हैगा थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, खास तौर पर वो एप्लीकेंट जिन्होंने इतने बैचलर तो बाद कोई डिप्लोमा या कोई मास्टर्स डिग्री की हुई है, उन्होंने एक सब तो सौखा तरीका वा डायरैक्ट पी आर से कैनेडा च पहुँचने का, जिहड़ा बड़ा आसान और बड़ा सस्ता मैथड हैगा वा, जिदे थ्रू आप 6 to 8 महीने के कैनेडा के लैंड कर सकते हैं। पिछले हफ्ते जिहड़े कैनेडा के इमीग्रेशन मिनिस्टर ने मिस्टर शॉन फ्रेजर, उन्होंने अनाउंस किया कि जुलाई 2022 तो इस साल तो बिगनिंग तो वह एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज दोबारा कढ़न जा रहे हैं और बड़े लार्ज स्केल के ड्रॉज होंगे, क्योंकि पिछले 1.5 साल तो एक्सप्रेस एंट्री का कोई भी ड्रॉ नहीं निकलिया, खास तौर पर फैडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी जिद जे लोग कैनेडा तो बाहर बैठे हुए हैं, जिथे जिमें इंडिया बैठे हाँ आप और अपने को बैचलर या बैचलर तो बाद कोई मास्टर्स या कोई डिप्लोमा हैगा वा और थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस हैगा वा, उन्होंने वो ये ड्रॉज हम दोबारा निकल जा रहे हैं, जिथे सब तो बड़ा एडवांटेज ये होगा कि थोड़ी एप्लीकेशन वो कहते हैं दोबारा तो अस विद इन 6 मंथ ही ये एप्लीकेशन प्रोसैस करनी शुरू कर देनी ने। ऑलरेडी जी लगे हुई एप्लीकेशन है फैडरल स्किल्ड वर्कर उत्थे समा लंबा हो गया से, क्योंकि पुराना बैकलॉग काफ़ी पिया से, हुण उन्होंने वो बैकलॉग काफ़ी हद तक कढ़ दिता वा, ऑलमोस्ट 50-60% जिहड़ियां फाइल्स ऑलरेडी जिन्हां सारे डॉक्यूमेंटेशन वो सीगे उन्होंने प्रोसैस कर दी ने, तो मेरे ख्याल जुलाई तक ऑलरेडी होर भी काफ़ी सारिया फाइल्स कढ़ देंगे। पहले क्वार्टर के काफ़ी पी आर दाइल्स 1.5 लाख के करीब प्रोसैस की ने, इन फाइल्स मैं लगता ओवरऑल इन्होंने इस क्वार्टर प्रोसैस कर देनिया ने 2022 के, और जुलाई तो जोड़ा यह एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ ये शुरू हो जाएगा। ये जो लोग कैनेडा बैठे हुए हैं जिनका कैनेडियन एक्सपीरियंस आ वो भी उन्होंने भी ड्रॉ हो गए। एक होर जी इंपोर्टेंट चीज़ हैगी है इस अलावा, ये तो है एक्सप्रेस एंट्री जिसे थ्रू तुम डायरेक्टली जा सकते हो, ये कोई सब तो सलाह लेना चाहते हो कि तुम क्वालीफाई करते हो तो जरूर साढ़े ऑफिस आकर मिल सकते हो पर अपॉइंटमेंट लैके। एक जरूरी जी गल हैगी है स्टूडेंट्स को लैके, स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कैनेडा है किसी वजह करके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे, क्वालीफाई नहीं कर पा रहे, इधर PNP या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वो बड़ी बार पूछते हैं कि टी आर टू पी आर जो पाथवे लास्ट ईयर आया से जिथे बहुत सारे लोग क्वालीफाई कर गए से, क्योंकि जरा स्कोर से बहुत थले कि उदा की कोई चीज़ आ सकती है, जरूर उदा का मिनिस्टर साहब ने एग्जैक्टली टी आर टू पी आर तो नहीं आने लगे, बट एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्ट्रीम बनाने जा रहे हैं बड़ी जल्दी कैनेडा के, कैनेडियन इमीग्रेशन जो अनाउंस किया, उस स्ट्रीम के काफ़ी तरह दिन मैं लगता ऐसी ऑप्शनस हो जिथे बहुत तरह के एप्लीकेंट जे किसी वजह करके इधर एक्सप्रेस एंट्री के वल जे नहीं क्वालीफाई कर पाते तो उत्थे उन्होंने मौका मिलेगा क्वालीफाई करन दा, तो उन्होंने भी चंगी न्यूज़ आ जे लोग ऑलरेडी कैनेडा है एज इंटरनेशनल स्टूडेंट इतों जाने आप और कैनेडा के काम कर रहे हो किसी वजह करके पॉइंट्स पूरे नहीं होंगे, उन्होंने एक स्पेशल स्ट्रीम जी वो बन जा रही है। तो ये दो इमीडिएट जी चेंजेस ने कैनेडियन इमीग्रेशन के देखने मिल गई। इस साल ये जरूर थोड़ा जहा रहेगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आम तौर पर 1,10,000-12,000 एक्सप्रेस सेंटर्स क्वालीफाई करते हैं, इस वर्ष थोड़ा जहाँ उनका 55,000 के करीब क्वालीफाई करेंगे, क्योंकि 10 साल ऑलरेडी निकल चुका वा, पर वो भी काफ़ी बड़ा चंक होगा जिहड़े डायरेक्ट पी आर से हम कैनेडा जा पाएंगे। तुहाड़ी कोई पी आर की एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री में तुसीं एप्लीकेशन पाना चाहते हो जरूर साडे नाल सलाह कर सकते हो, स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन आ, स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन आ, कोई वर्क परमिट की एप्लीकेशन आ, तुसीं कोई विजिटर वीज़ा या सुपर वीज़ा से जाना चाहते हो, किसी तरह की कैनेडियन इमीग्रेशन का कोई भी तुहाड़ी फाइल हैगी है, असीं हर तरह की कैनेडियन इमीग्रेशन की फाइल्स से काम करते हैं, तो जरूर सब सलाह ले सकते हो। जलंधर से मैं मिलना चाहते हो पर अपॉइंटमेंट लेकर मैं भी मिल सकते हो, साडा अगर यूट्यूब का चैनल हूँ तक तुम्हें सबसक्राइब नहीं किया तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूँगा सबसक्राइब करो, असं रेगुलरली जी अपडेट्स ने कैनेडियन इमीग्रेशन लेकर टाइम टू टाइम साझा करते रहने। थैंक यू, सत श्री अकाल सर।